औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आप तमाम दोस्तों के दरमियान मुलाकात हो रही है अपने प्लेटफार्म के ऊपर। हमारा जो आज का नुस्खा है, जो आज का टॉपिक है, ये मासखोरा, दांतों को कीड़े का लगना, दांतों से पीप का आना और दर्द दांतों का। तो इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल है उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो हमारा नुस्खा है, बतौर मंजन आप इस्तेमाल करेंगे इसको दांतों की जड़ों में और दांतों के ऊपर आपने इस मंजन को लगाना है। ये बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करने वाला नुस्खा है जो आप सिर्फ बतौर मंजन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इस नुस्खे के साथ दांतों के जो मसाइल हैं, जैसा कि आपको बताया है, वो आपके हल हो जाएंगे। तो इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनकी तरफ चलते हैं। नुस्खे की जो मिकदार बताई जा रही है ये ज़्यादा है। आप इस नुस्खे को कम मिकदार में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं घरेलू तौर पर, और जो दोस्त हुक्मा हैं वो इस नुस्खे को इस मिकदार के हिसाब से बताएं। बतौर मतलब के ऊपर आप कमर्शियल मरीजों को दे सकते हैं। लौंग 10 ग्राम है, अजवैन 50 ग्राम है, अक्कर करा इसमें 50 ग्राम है, नौशादर ठिकरी 50 ग्राम है, नमक सफ़ेद जो है वो 50 ग्राम है। ये तमाम जो अद्वियात हैं जो 5 अज़ा पर मुश्तमिल हैं, ये आपने लेकर ब्रीक सफूफ बना लेना है, इसको पाउडर बना लेना है, मैदे की तरह ब्रीक कर लेना है। इसमें से अब आप थोड़े सी दवा लेंगे जो आपकी उंगली के ऊपर आ जाए, इतनी सी मिकदार हो। आपने अच्छी तरह दांतों को इसके साथ मलना है, दवा को मलना है दांतों के ऊपर और दांतों की जड़ों में भी इस दवा को आपने लगाना है। अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे दांतों के दोनों साइडों पे। 5 से 10 मिनट आप जितना भी मवाद आएगा दांतों से वो आपने नीचे फेंकना है। उसके बाद आप कुल्ली कर लें। मुतवातर कुछ दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपके जो दांतों के मसाइल हैं वो इससे ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि दांत का दर्द है, मासखोरा है, मासखोरा के ऊपर कुछ भी अरसा लगातार जो है वो दवा इस्तेमाल करना पड़ती है, क्योंकि मासखोरे को जो है वो इतना आसान इलाज नहीं है। मासखोरे का कुछ टाइम लगता है मासखोरे को ठीक होने में। उसके बाद कीड़े का लगना जो है दांतों को, कीड़े का लगना, उसके ऊपर ये दवा काम करती है। और अगर पीप आ रही हो, इन्फेक्शन हो गई हो दांतों के अंदर, तो वहाँ पर भी ये बेहतरीन रिजल्ट देती है। इस दवा को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो ख़ुद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें, ताकि हफ्तों का ये सिलसिला चलता रहे। हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।